आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि SBI सेविंग अकाउंट्स की कितनी सारी कैटेगरी होती हैं और उन कैटेगरी में हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। हम आज उन सब चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम सर्च टैब में सर्च करेंगे SBI कस्टमर सेगमेंटेशन। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो कस्टमर सेगमेंटेशन SBI, तो आपको इस लिंक में क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ पे दूसरे वाले पेज पे आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड बेनिफिट्स लिंक्ड विद वेरियस कस्टमर कैटेगरीज। तो जैसे कि आपको यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट्स की अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम। तो आपको यहाँ पे नीचे सीरियल नंबर 1 में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपको नीचे यहाँ पे AQB के मतलब होता है यहाँ पे एवरेज क्वार्टरली बैलेंस। और फिर आप यहाँ पे दाएं तरफ देखेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा SB का मतलब होता है सेविंग्स बैंक बैलेंस। तो आप अगर यहाँ पे सिल्वर कैटेगरी में अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपको अपने बैंक अकाउंट में 25,000 रुपये तक मेंटेन करने होंगे, तब आपको यहाँ पे सिल्वर कैटेगरी आपको मिलेगी। अगर आप यहाँ पे 25,000 से 1,00,000 रुपये तक मेंटेन करते हैं तो आप गोल्ड कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 1,00,000 से 2,00,000 रुपये तक यहाँ पे मेंटेन करते हैं तो आप डायमंड कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 2,00,000 रुपये से ऊपर मेंटेन करते हैं तो आप यहाँ पे प्लेटिनम कैटेगरी में आ जाएंगे। उसी तरह आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा SB के नीचे TRB का मतलब होता है टोटल रिलेशनशिप वैल्यू। मतलब इसको 25,000 रुपये को छोड़कर अगर आप यहाँ पे अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट जैसे करते हैं, जैसे आपकी FD कराते हैं बैंक के साथ या RD कराते हैं, कोई भी चीज़ अगर इन्वेस्टमेंट आपकी बैंक के साथ है 5,00,000 रुपये तक की, तब आप यहाँ पे सिल्वर कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अगर 5,00,000 से 20,00,000 रुपये तक है तो आपको गोल्ड कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 20,00,000 से 30,00,000 रुपये तक की अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक में तो यहाँ पे आप डायमंड कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आप 30,00,000 रुपये से ज़्यादा की अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप यहाँ पे प्लेटिनम कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे 25,000 रुपये मेंटेन करें चाहे ना करें, इसमें इसी तरह गोल्ड में भी है, अगर आप अगर इन्वेस्टमेंट 5,00,000 से 20,00,000 रुपये तक की है तो आप यहाँ पे 25,000 से 1,00,000 रुपये तक अगर मेंटेन करेंगे भी नहीं तब भी आप यहाँ पे गोल्ड कैटेगरी में रहेंगे। इसी तरह डायमंड में भी है, इसी तरह प्लेटिनम में भी है। और अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लिमिट हाउसिंग लोन। तो अगर आप यहाँ पे 25,00,000 रुपये तक अगर आप यहाँ पे हाउसिंग लोन भी अगर आप लेते हैं तब भी आप यहाँ पे सिल्वर कैटेगरी के मेंबर यहाँ पे हो रहेंगे। और अगर आप यहाँ पे 25 से 50 लाख का अगर हाउसिंग लोन लेते हैं तब भी आप यहाँ पे गोल्ड कैटेगरी में रहेंगे। अगर आप 50 लाख से 1 करोड़ का यहाँ पे हाउसिंग लोन लेते हैं तो आप यहाँ पे डायमंड कैटेगरी में रहेंगे। अगर आप यहाँ पे 1 करोड़ ज़्यादा का यहाँ पे हाउसिंग लोन लेते हैं तो आप यहाँ प्लेटिनम कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इसका यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है मेंटेन आप कितना अमाउंट यहाँ पे मेंटेन करेंगे अपने बैंक अकाउंट में। अगर आप मेंटेन करें चाहे या ना करें, यहाँ पे इसका जैसे अभी मैंने बताया कि अगर आप टोटल रिलेशनशिप वैल्यू अगर 5,00,000 रुपये तक अगर करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो अगर आप 25,000 रुपये मेंटेन भी नहीं करेंगे तब भी आप यहाँ पे सिल्वर कैटेगरी में रहेंगे। उसी तरह आप डायमंड में भी होगा और प्लेटिनम में भी होगा। अगर आप यहाँ पे नीचे अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स आपको फ़ायदे क्या क्या मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग डेबिट कार्ड दे रखे हैं। यहाँ पे सिल्वर में आपको क्लासिक मिलेगा, गोल्ड में गोल्ड डेबिट कार्ड मिलेगा, डायमंड में प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा और आपको प्लेटिनम में कैटेगरी में प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा। उसी तरह आपको यहाँ पे अलग अलग रिवॉर्ड पॉइंट्स भी कैटेगरी में बांटे गए हैं। तो आपका अगर क्लासिक सिल्वर कैटेगरी में है तो आपको यहाँ पे 2x रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेंगे। अगर आप गोल्ड कैटेगरी में है तो आपको यहाँ पे 2x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पे डायमंड कैटेगरी में है तो आपको 3x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। और अगर आप यहाँ पे प्लेटिनम कैटेगरी में है तो आपको यहाँ पे 3x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। उसी तरह आपको यहाँ पे विड्रॉल लिमिट भी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग मिलेगी। अगर आप यहाँ सिल्वर कैटेगरी में है तो आपको POS लिमिट आपको 50,000 रुपये तक मिलेगी और आप यहाँ पे ATM से कैश कर पाएंगे 40,000 रुपये। गोल्ड कैटेगरी में तो आपको यहाँ पे POS लिमिट यहाँ पे 2,00,000 रुपये की मिलेगी और ATM से 50,000 रुपये कैश कर पाएंगे। यहाँ पे डायमंड कैटेगरी में तो आप यहाँ पे 2,00,000 रुपये POS से ट्रांजेक्शन कर पाएंगे और 1,00,000 रुपये यहाँ पे ATM से कैश कर पाएंगे। और यहाँ पे प्लेटिनम कैटेगरी में अगर आप हैं तो यहाँ पे 2,00,000 रुपये POS से यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर पाएंगे और 1,00,000 रुपये यहाँ पे ATM से यहाँ पे कैश कर पाएंगे। इसी तरह अगर आप तीसरे नंबर पे देखें तो यहाँ पे लॉकर एनुअल चार्जेस। तो अगर आपने बैंक में कोई भी यहाँ पे लॉकर ले रखा है तो यहाँ पे आपको चार्जेस किस तरह यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से देने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड कैटेगरी में है तो आपको स्टैंडर्ड चार्जेस देने पड़ेंगे जैसे बैंक के नॉर्मल चार्जेस होते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे डायमंड और प्लेटिनम कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपको यहाँ पे कम चार्जेस यहाँ पे करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे डायमंड कैटेगरी में आपको 15% यहाँ पे कम चार्जेस देने पड़ेंगे और अगर आप प्लेटिनम कैटेगरी में है तो आपको यहाँ 25% यहाँ पे कम चार्जेस देने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको एक यहाँ पे चौथे नंबर पे दिखा रहा है इन ब्रांच ट्रांजेक्शन थ्रू SBI नो क्यू ऐप। तो आपको यहाँ पे एक नो क्यू ऐप होता है SBI का, यहाँ पे जहाँ पे हमें लाइन नहीं लगानी पड़ती है।
तो यहाँ पे जैसे कि आप अगर सिल्वर और यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड कैटेगरी में है तो आपको नॉर्मल उसी तरह जैसे आपके साथ व्यवहार किया जाता है आपको उसी तरह यहाँ पे सर्विस दी जाएगी। और अगर यहाँ पे आपके पास प्लैटिनम और यहाँ पे डायमंड कैटेगरी में तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी सर्विस दी जाएगी, यहाँ पे मतलब प्राथमिकता दी जाएगी। और पाँचवें नंबर पे अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग चार्जेस यहाँ पे क्या क्या पड़ेंगे अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ करते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। अगर यहाँ पे अगर आप मल्टी सिटी चेकबुक यहाँ पे इशू कराते हैं, डुप्लीकेट पासबुक बनवाते हैं, डुप्लीकेट बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं या यहाँ पे इशू करवाते हैं डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक, आपको यहाँ पे नॉर्मल चार्जेस पे करने पड़ेंगे जैसे बैंक के चार्जेस होते हैं अगर आप सिल्वर और यहाँ पे गोल्ड कैटेगरी में। और अगर आप यहाँ पे डायमंड कैटेगरी में तो आपको यहाँ पे 25% की छूट मिलेगी। और अगर आप प्लैटिनम कैटेगरी में तो आपको यहाँ पे 50% छूट मिलेगी इन चार्जेस में। तो यहाँ पे इन सब चीज़ का यहाँ पे ये मतलब है। तो जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा भी है कि यहाँ पे कि जो यहाँ पे कस्टमर की जो कैटेगरी होती है वह यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे डिसाइड होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे 25,000 से 50,000 अपने खाते में यहाँ पे मेंटेन कर लिए तो आप अपने आप सीधे गोल्ड कैटेगरी में पहुँच जाएंगे। और अगर आपने अगर 1,00,000 रुपये तक यहाँ पे मेंटेन कर लिया तो यहाँ पे आप डायमंड कैटेगरी में अपने आप आ जाएंगे। और अगर आपने यहाँ पे 1,00,000 रुपये से ज़्यादा या और 2,00,000 रुपये से ऊपर यहाँ पे मेंटेन कर लिए तो आप अपने आप यहाँ पे प्लैटिनम कैटेगरी में आ जाएंगे। और आपको यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप जिस भी कैटेगरी में होंगे आपको उसके हिसाब से यहाँ पे सुविधाएं मिलेंगी। इस वीडियो के माध्यम से हमने SBI सेविंग्स अकाउंट्स की अलग अलग कैटेगरी के बारे में जाना और उनमें जो भी सुविधाएं मिलती हैं हमने उन सब चीज़ के बारे में जाना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।